लव गुरु के साथ हैं रेडियो सिटी पर। बात करना चाहते हैं अगर आप लाइव मुझसे, तो शेयर करिए अपना नंबर, टाइप करें LUV एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। सर, मैं एक लड़की से 2 साल से प्यार करता हूँ और उसके पेरेंट्स उसको शादी कराना चाहते हैं इसी साल, और वो हमको जब बोली ऐसा बात तो हम अभी शादी नहीं कर सकते क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और अपने लाइफ में फुलफिल नहीं हो पाया हूँ। तो जब ये बात पता चला लड़की को, तो हमसे तब से दूर जाने लगी है और मुझे बहुत बुरा लगा है और मैं उसको कैसे मनाऊं। सर देखिए, वो रूठी नहीं है, इस बात को समझिए। आपकी जो प्रॉब्लम है या जो आपकी जिंदगी की सिचुएशन है वो बहुत जेन्युइन है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप किसी का खर्च कैसे उठाएंगे या फिर घर कैसे चला पाएंगे, और आपकी एज अप्रोप्रिएट होनी भी और एक सही समय होना भी शादी के लिए मायने रखता है। अब अगर ये बात वो नहीं समझती हैं, अपने पेरेंट्स के हिसाब से वो कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपका प्यार वाकई बहुत कमजोर था। शायद उस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, शायद उस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को बोल सके कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती हैं। बिकॉज अगर मैं ये भी अंदाजा लगाऊं कि आप लोग 21-22 साल के हैं आप दोनों ही, तो 21-22 साल बहुत छोटी उम्र होती है शादी करने के लिए, और खासतौर से किसी लड़की के लिए। बिकॉज तब तक उन्होंने भी शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मकाम हासिल नहीं किया, और शादी कर लेना ही जिंदगी में केवल एकमात्र मकसद नहीं होता। आपको अपने लिए भी तो जीना है, आपको अपनी जिंदगी में भी तो कुछ करना है, एंड देन देयर इज अ राइट टाइम। सो ये सारी चीजें मायने रखती हैं, तो आपको इन्हीं बातों को समझाना है। आपको उनसे जितना भी समय चाहिए वो मांगिए। अगर वो उस समय को नहीं दे सकती हैं, अगर वो एडमिट है कि नहीं जहां उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं वहां उन्हें शादी करनी है, तो भाई मैं, आप या कोई और तीसरा इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज इस कहानी में मेन किरदार ही अभी उनका है, तो उन्हें आपके साथ खड़े रहना होगा। मोटिवेट करिए, क्या पता उन्हें चीजें समझ में आ जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा तकलीफ दे होगा, आप ही लाइफ में आगे बढ़े बेहतर होगा। कोई सवाल है अगर आपका भी तो कॉल करिए मुझे, नंबर है 01166919191।